In this module, we will study the latest research and current trends with reference to nanoparticles and nanomaterials. We know that nanoparticles are ultra small particles, their size ranges between 1 to 100 nanometers. These nanoparticles are produced by different biological, chemical, and physical methods. The nanoparticles have great importance in the current research methods they have high loading capacity they are really small in size and they can travel very fast depending upon their crystallinity we will discuss the importance of nanoparticles in medical sciences with reference to regeneration of bones these bones are grown under the effect of different hormones

साइंसदानों ने इस मसले को हल करने के लिए बायो एक्टिव हाइड्रोजेल्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं दीज बायो एक्टिव आर टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स इंक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग एल्जीनेट इनकी क्रॉस लिंकिंग के बाद इन हाइड्रोजेल्स में डिफरेंट बायोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर्स और सेल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजेल्स आर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर

इसका मतलब यह है कि नैनो पार्टिकल्स और नैनो मटीरियल्स आर हाईली सूटेबल फॉर दी टिश्यू इंजीनियरिंग नैनो पार्टिकल्स के रेफरेंस से अगर हम देखें तो हमारे पास इनका ज्यादातर इस्तेमाल मेडिकल साइंस में आता है इस वक्त नैनो पार्टिकल्स की कम अज कम सात से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं इनमें पहली किस्म कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स जिसमें फुलरीन ग्रेफिन और नैनोट्यूब और ग्रेफिन ऑक्साइड के कंपाउंड शामिल हैं दूसरी तरह के नैनो पार्टिकल्स सिलिका का बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं और इनमें क्वांटम डॉट्स भी शामिल हैं तीसरी तरह के नैनो पार्टिकल्स में मेटल बेस्ड नैनो पार्टिकल्स शामिल हैं ये मेटल बेस्ड पार्टिकल्स सिल्वर या गोल्ड के हो सकते हैं इसके अलावा मेटल बेस्ड पार्टिकल्स में मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल भी शामिल हैं जिनमें टाइटेनियम ऑक्साइड मैग्नेटिक पार्टिकल्स जैसे आयरन और इससे रिलेटेड कंपाउंड और जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स शामिल हैं एक और किस्म नैनो पार्टिकल की लाइपोसोम्स है दीज लाइपोसोम्स आर फ्रॉम द लिपिड्स इसके अलावा पोलिमर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स भी ज़्यादातर रिसर्च में इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन नैनो पार्टिकल्स को ड्रग डिलीवरी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी वायरल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इन नैनो पार्टिकल्स में एंटीबैक्टीरियल जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है ये उन स्पोर्ट्स को भी किल कर सकते हैं जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर सर्वाइव करते हैं इसके अलावा इन नैनो पार्टिकल्स का बायोसेंसर में इस्तेमाल किया जा रहा है डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल में बायोसेंसर बायो इन नैनो पार्टिकल्स की बहुत अहमियत है इसके अलावा फोटो इमेजिंग के लिए इन नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल बहुत अहम है डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अलावा इम्यूनो एसेड और बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक में इन नैनो पार्टिकल्स की बहुत अहमियत है मेडिकल के अलावा एनवायरमेंट में भी ये नैनो पार्टिकल्स बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं टेक्सटाइल वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टेक्सटाइल वेस्ट वाटर में आमतौर पर ऑर्गेनिक डाइज शामिल होती हैं ये ऑर्गेनिक डाइज गो के थोड़ी अमाउंट में यानी कि माइक्रोग्राम क्वांटिटीज में भी हों लेकिन स्टिल दे प्रोड्यूस इंटेंस टेंस कलर इन इंटेंस कलर्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हाल ही में आ, कुछ शाया किए गए मकालों में ये बताया गया है कि अगर ग्रेफिन ऑक्साइड को हाइड्रोजेल्स के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसके नतीजे में ये ऑर्गेनिक डाइस पानी से बसानी रिमूव हो सकती हैं। दरअसल इसमें ग्रेफिन ऑक्साइड की केमिस्ट्री का बहुत हाथ है ग्रेफिन ऑक्साइड इज कम्पोज कंटेन्स ग्रेफिन ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ ग्रेफीन एंड इट कंटेन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फिनोलिक ग्रुप ग्रुप्स अटैच विदिफर ग्रुप ऑफ दी डाई इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कॉन्गो रेड डाई को ग्रेफिन ऑक्साइड बेस्ड जेल से प्योरिफाई किया गया है तो समेरेली वी कैन सेरोपोर्टेंट फॉर लेटेस्ट एंड मॉडर्न रिसर्च अ नंबर ऑफ स्मार्ट मटीरियल इंक्लूडिंग बायो एक्टिव हाइड्रोजेल्स आर प्रिपेयर फ्रॉम These nanoparticles. These nanoparticles are very important for the production of smart materials. The, na the main importance or the main use of nanoparticles is in the medical sciences. But apart from that, in environmental sciences, these nanoparticles or the smart materials or nanomaterials are very useful in solving our problem like treatment of wastewater.